कृष्ण जन्मोत्सव के दौरान दही हांडी प्रतियोगिता का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद आप राजधानी रांची में भी उस दृश्य को देखेंगे कि अब कई जगहों पर लड़कियों की टोली और लड़कों की टोली जो है वो दही हांडी को फोड़ेंगे। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की टीम। आप देखिए, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। कल से यहाँ पर दही हांडी प्रतियोगिता की शुरुआत हो रही है। 20 तारीख तक यहाँ पर कई जगहों पर आयोजन होगा। 2 वर्ष कोरोना के दौरान जो है यह आयोजन नहीं हुआ, कितना मिस किया आप लोगों ने 2 वर्ष, और इस बार किस तरह की तैयारी? 2 साल कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा मिस किया हमने, क्योंकि हम हर साल इसी का वेट करते हैं कि कब हमारी दही हांडी की प्रतियोगिता स्टार्ट होगी और हम सब प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन अब हम एकदम जोश के साथ आ गए हैं और सब ने मिल के हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया है। करीब 1 सप्ताह से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर और एकदम फुल जोश और एनर्जी में हम लोग, कि हम लोग को बस इस बार फोड़ना है जैसे हर साल फोड़ते हैं और जीतना है। गर्ल्स बाके बिहारी लाल की। 2 साल जो गैप रहा, क्या कोई दिक्कतें आई है फिर से उस चीज़ को करने में या फिर सामान्य? जैसे कि हम सभी योगा के स्टूडेंट हैं, हम सभी योगा के थ्रू की बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी खेले हुए हैं, तो हमें शुरू में लग रहा था कि शायद 2 साल गैप के कारण हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। एज यूजुअल जैसे हम पहले करते थे उसी तरह आज भी कर रहे हैं, बल्कि ये 2 साल के कारण और सब में उत्सुकता बढ़ चुकी है वापस से फिर से करने की, तो इस बार तो पिछले बार से भी ज़्यादा अच्छा होगा। कितने लोग हैं आप लोगों की टीम में? 21 हम लोग हैं। नए मेंबर कितने जुड़े हैं इस बार, या सारे लोग पुराने? बहुत लोग पुराने ही हैं और कुछ 1-2 हैं जो नए हैं। क्या मुश्किल होता है जब आप हाइट पर होते हैं तो वहाँ बैलेंस बनाना कितना मुश्किल? जैसे आकांक्षा ने बताया, ये हमेशा प्रतियोगिता में ऊपर ही चढ़ती है, तो ये हमेशा योगा, हम लोग सब योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोगों को एक टेक्निक आ जाती है कि किस तरह से एक बैलेंस मेंटेन करना है, सेकेंड लेयर कैसे चढ़ाएंगे, थर्ड लेयर कैसे चढ़ेंगे, ऊपर जाके कैसे फोड़ना है, तो वो दिक्कतें हम लोगों को नहीं आती है। क्या इस बार जीत लेना है, पूरी तैयारी है? एकदम पूरी तैयारी है पूरी। मैं तो सिमडेगा से आई हूँ और बहुत कोई बहुत जगह से आए हैं, तो एकदम मतलब 100% बोलना है कि जीतना है तो जीतना है तो जीतना ही है। कितना मिस कर रही थी जो नहीं हो रहा था और इस बार हो रहा है, तो कितना उत्साह? बहुत ज़्यादा उत्साह हूँ, और 2 साल से नहीं हो रहा था इस कारण से हम लोग बहुत अफसोस कर रहे थे, इस बार हो रहा था, बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं। इस टीम के कोच भी हैं, इनसे भी जानते हैं कितनी तैयारी है बॉयज़ की टीम और गर्ल्स की टीम को, कितना मेहनत करना पड़ा? हम लोग इसका हर एक साल ही हम लोग तैयारी करते हैं, मगर बॉयज़ का हम लोग देखें 48 सेकेंड में बॉयज़ लोग फोड़ रहे हैं, और गर्ल्स का जो टाइम है बॉयज़ से भी पहले है। गर्ल्स इसका पहले हम लोग तोड़े थे 12 सेकेंड में, जो पूरा रिकॉर्ड है, जो उतना कम समय में बॉयज़ लोग भी नहीं तोड़ पाया था, उतना कम समय में उतना ही हाइट में गर्ल्स लोग भी फोड़ती है मटकी। कितने जगह पर पार्टिसिपेट करना है और किस तरह से जीतना है? वैसे तो हम लोग हर जगह पार्टिसिपेट करते हैं, पर इस बार शायद 3 जगह हम लोग को पार्टिसिपेट करना है। एक फेरायलाल है, हरमू है, मुराबादी है, और हम लोग हर साल जैसे जीतते हैं, नॉर्मल है हम लोग के लिए, बस हम लोग ये इन्जॉय करते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि कुछ कॉम्पिटिशन है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइज भी जीतना है, लेकिन हम राजधानी रांची के लोगों को कहेंगे कि ये टीम पूरी तरह से तैयार है दही हांडी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए, बस आप भी उस जगह तक पहुंचिए और आनंद लीजिए, क्योंकि कृष्ण जन्मोत्सव होगा, दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। अपने सहयोगी संजय के साथ मदन सिंह, न्यूज 22 स्कोप, रांची। साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, TCS, ITC, कॉलगेट, फेडरल बैंक, JP मॉर्गन, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।